रिहाई में देरी की वजह है वीडियो, जिसे कई काट छांट के बाद बनाया गया। पाकिस्तान की ओर से वीडियो बनाने की वजह से शुक्रवार को अभिनंदन की रिहाई में देरी हुई। इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने वीडियो रिकॉर्ड कर अभिनंदन का बयान दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद ही उन्हें सीमा पार करके स्वदेश जाने दिया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें दबाव में कैमरे के सामने बयान देने को कहा गया या नहीं। इस वीडियो में 7 कट हैं जो संकेत देते हैं कि इसे परोक्ष रूप से पाकिस्तानी रुख के अनुरूप करने के लिए इसमें बहुत काट छांट की गई। पाकिस्तान सरकार ने स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे पायलट का वीडियो संदेश स्थानीय मीडिया को जारी किया। इस वीडियो में अभिनंदन ने बताया कि उसे कैसे पकड़ा गया। एक सूत्र ने कहा कि उनका वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने से उसे भारत को सौंपने में देरी हुई। अभिनंदन को छोड़ने से पहले पाक द्वारा जारी वीडियो में विंग कमांडर को टारगेट के बारे में कहता हुआ दिखाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस वीडियो में पाक द्वारा भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि विंग कमांडर ने पाक द्वारा पहले जारी किए गए वीडियो में नाम और पद के अलावा किसी भी जानकारी को देने से मना कर दिया था।